न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई है। पाकिस्तानी शायकीन जो है बड़ी शिद्दत से मुंतजर हैं कि बड़ी टीमों को एक्शन में देखें। जो ज्यादा इंतजार था वो केन विलियमसन का था। मुझे रमीज राजा से बड़ी उम्मीदें हैं उनके आने के बाद। इम्कान यही है कि क्रिकेट बोर्ड में काफी चीजें बेहतर होंगी। भारत के साथ मैच किसी दूसरे मुल्क में करा देंगे जैसे पहले भी ऐसा होता रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्राइम टॉक क्रिकेट। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि कामिल एहसान आज कहाँ हैं, ये खुद ही शुरू हो गया आज तो। तो कामिल एहसान बेहतर मुस्तकबिल के लिए कहीं और चले गए, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। और आज हमारा जो प्रोग्राम है उसमें काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मौजू हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, जैसे रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी बने हैं और वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ, काफ़ी चेंजेस हुई उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई है। तो हम आज इसी पे बात करेंगे ज़्यादा न्यूजीलैंड के टूर के हवाले से, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और एक ऐसा मौका है जिसका तमाम शायकीन क्रिकेट को बरसों से इंतज़ार था। तो प्रोग्राम हम इसी पे फोकस करेंगे, तो बाकायदा आगाज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान आई है। 18 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है और पाकिस्तानी शायकीन जो है बड़ी शिद्दत से मुंतजर हैं कि बड़ी टीमों को एक्शन में देखें। साउथ अफ्रीका से आगाज हुआ, न्यूजीलैंड आ रही है, उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी आएगी, फिर ऐसा हो जाएगा कि जैसे नॉर्मल हालात हो जाते हैं, बड़ी बड़ी टीमें यहाँ आ रही हैं, उस तरह का माहौल बन जाएगा दोबारा। तो न्यूजीलैंड की टीम के कई स्टार प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आए नहीं हैं। आईपीएल वजह है, पैसा मिलता है ना वहाँ पे, बहुत पता है आपको, इंग्लैंड है या दूसरे हैं, सारे भाग भाग कर जो है वो आईपीएल खेलने जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंतज़ार था वो केन विलियमसन का था। पाकिस्तानी शायकीन को बड़े अपने बैटिंग के साथ साथ और अपना जो उनका इखलाक है, तर्ज अमल है उनका, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, शायकीन में बहुत मकबूल हैं और सब उनको बहुत बेहद पसंद करते हैं, चाहते थे उनको एक्शन में देखना लेकिन नहीं आ सके। आगे और मौके मिलेंगे। खैर, इसी तरह जेमिसन भी नहीं आए, फर्गूसन भी नहीं आए, बोल्ड भी नहीं आए और लैथम कैप्टनसी कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बड़ी टीम न्यूजीलैंड जो है वो यहाँ पाकिस्तान आई है और सिक्योरिटी से तो बहुत खुश हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर। जो इंटरव्यूज आप देख रहे होंगे वो यही बता रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी यहाँ इनको मिल रही है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करके, और आगे क्रिकेट खेलेंगे तो और उनको अच्छा लगेगा। सिक्योरिटी से ज़्यादा कोविड की वजह से जो है प्लेयर्स को होटल तक ही महदूद रहना पड़ता है। तो होपफुली हमें आगे अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। शुरू में थोड़ा सा एक इशू आया है जो DRS नहीं होगा और PCB की नाकामी है। ये रमीज राजा जब PCB में आए नहीं और एहसान मानी जो चले गए थे, तो बीच में जो गैप था जब कोई चेयरमैन नहीं था और वसीम खान वगैरह मामला देख रहे थे, उस वक्त काफ़ी मिसमैनेजमेंट देखने में आई, आप लोगों ने भी नोट किया होगा। और ये DRS वाली जो चीज़ है ये तो ब्लंडर है, कोई और बोर्ड होता तो न जाने क्या कुछ कर चुका होता। आपने PSL में भी देखा था क्या क्या पहले हो चुका था। बहरहाल पहले भी कुछ नहीं हुआ था और अब देखें कुछ होता है नहीं होता है। लेकिन मुझे रमीज राजा से बड़ी उम्मीदें हैं उनके आने के बाद। इम्कान यही है कि क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी और ऐसी मिसमैनेजमेंट देखने में नहीं आएगी। खुद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रमीज राजा ने की उसमें भी काफ़ी खफगी का इजहार किया कि ये DRS नहीं है। इसी की वजह से जो ICC वर्ल्ड कप जो चैम्पियनशिप है उसके जो स्टेटस है वो इस सीरीज से वापस ले लिया गया और ये नॉर्मल एक बायलेटरल सीरीज है। पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका था, न्यूजीलैंड की एक बी टीम आई है उसको आसानी से हरा के टेस्ट की जो ODI चैम्पियनशिप है उसमें अपने पॉइंट बढ़ाता, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं। अभी भी खैर सीरीज में काफ़ी इंटरेस्ट है और शायकीन को 25% इजाज़त मिली है, लेकिन बहुत जल्दी तमाम टिकट्स जो हैं फरोख्त हो गए और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस सीरीज़ के लिए, चाहे वो टेलीविज़न पर मैच देखने के हवाले से या स्टेडियम में। आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया, स्टेडियम में भी जब मुकम्मल क्राउड आएगा तो बहुत ज़बरदस्त मैचेस होंगे और बहुत अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ की। न्यूजीलैंड का तो हमने जिक्र किया, काफ़ी सारे नए प्लेयर्स लेकर आए हैं, लेकिन जैसे पहले बात हुई कि हमारी रिवायत है कि जो टीमें ऑन पेपर कमज़ोर लगती हैं उनको फिर हम कई नौजवान प्लेयर्स को स्टार्स बनाकर भेजते हैं, तो इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा कि कोई ना कोई न्यूजीलैंड का प्लेयर तो ऐसा उठकर सामने आएगा जो बाद में पर वो लोग दुआएं देंगे कि जी पाकिस्तान की वजह से हमारा फलाना यंगस्टर जो है वो इंटरनेशनली जो है उसको एक्सपोजर मिला और वो आगे आया। लेकिन हमारी जो टीम है वो भी अच्छी खासी मजबूत टीम है हमारी, और ओपनिंग करेंगे इमाम उल हक और फ़खर, और वही ओपनिंग करते चले आए कुछ अरसे से ODI क्रिकेट में, और एक सेंचुरी पार्टनरशिप भी साउथ अफ्रीका में दोनों के अमाबैन बनी थी। फ़खर की फॉर्म अच्छी है इस साल और
इमाम ने भी बेहतर परफॉर्म किया है, तसलसल के साथ तो हम नहीं कह सकते कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो ओपनर पाकिस्तान के जो हैं वो अच्छे हैं या बेहतर, जो भी आप कह लें, अच्छा उनके पास मौका है कि अपने आप को मनवाएं। बाबर आजम की फॉर्म तो उम्दा रहती है, और जो आखिरी मैच उन्होंने इंग्लैंड में खेला था, सेंचुरी बनाई थी। रिजवान के लिए ओडीआई में इस साल कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, ठीक परफॉर्मेंस है उनकी। तो बैटिंग जो है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर जो वो मजबूत है काफ़ी, और हम देखेंगे कि पीछे भी जो प्लेयर्स हैं वो भी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल वीक हैं। और बॉलिंग में भी खासतौर पर अगर हम आ जाएं, शाहीन शाह, अफरीदी और हारिस जो है उन्होंने तो साल में सबसे ज़्यादा विकटें ली हैं, लेकिन असल जो चीज़ होगी वो होगी स्पिन। न्यूजीलैंड की टीम अभी बांग्लादेश से खेल कर आ रही है T20 सीरीज, वहाँ हमने ये चीज़ नोट की कि स्पिन बॉलिंग पर उन लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा था। इनके पास भी एक दो अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन शायद यही सोच के पाकिस्तान ने अपने जो 12 रुकनी स्क्वाड है उसमें 3 स्पिनर्स को शामिल किया है। आप ये देखें, राज की तरह छुपाया जाता था प्लेइंग 11 को या 12 प्लेयर्स को, मैच से पहले तक डिस्क्लोज नहीं करते थे, लेकिन रमीज राजा के आने के बाद एक ये तो फर्क नज़र आया है कि पूरे जो 12 प्लेयर्स हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। हम देखते हैं कौन से वो 12 प्लेयर हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये हैं 12 प्लेयर जो आपकी स्क्रीन पर हैं। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, फखर हारिस हैं, हसन हैं, इफ्तिखार हैं, इमाम हैं, रिजवान, सऊद शकील, शाहीन शाह, अफरीदी, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद। जैसे मैंने कहा 3 स्पिनर हैं, उस्मान कादिर, जाहिद महमूद और शादाब खान। शादाब की जो फॉर्म है वो कुछ अरसे से इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब उनके पास एक मौका है कि होम सीरीज में अच्छा परफॉर्म करके अपना एतमाद बहाल करें वर्ल्ड कप से पहले। सऊद शकील का जिक्र रह गया था, नौजवान प्लेयर हैं, उनको मौका मिला है और उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया अब तक जितने उनको चांसेस मिले हैं। तो इफ्तिखार होंगे पीछे, और उनके बारे में कहा जाता था कि मिसबा के फेवरेट हैं इसलिए खेल रहे हैं, मिसबा नहीं है लेकिन इफ्तिखार स्क्वाड में है। जाने से पहले जो आप लोगों के कुछ सवाल हैं जो ट्विटर पर आपने किए थे, मुनीब ने मुझे भेजे, उनके जवाब मुख्तसर देते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसील से फिर अगले शो में बात करेंगे। तो आपके सवाल देखते हैं। तो ये सवाल है अरमान का, ये कह रहे हैं क्या हम इस टीम को बैक नहीं कर सकते, क्या बस तनकीद ही करेंगे? नहीं अरमान, बिल्कुल बैक करना चाहिए, अब टीम का ऐलान हो चुका है और वर्ल्ड कप में भी यही टीम हिस्सा लेगी, तो यही प्लेयर्स हैं ये सारे, इनको अब हमें बैक करना है और उम्मीद भी रखनी चाहिए कि टीम हमारी अच्छा परफॉर्म करेगी। जितनी तनकीद करनी थी वो कर दी सबने, और अब इस टीम को बैक करना चाहिए। ये एक और सवाल है शोएब जट तो सुना था, शोएब बट कौन? शोएब बट कह रहे हैं कि क्या इस सीरीज को वर्ल्ड कप के ऑडिशन के तौर पे देखा जाए और क्या कोई तजुर्बात वगैरह इसमें करने चाहिए। तो वर्ल्ड कप का तो बिल्कुल ऐसा ही है कि इस सीरीज में जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप के लिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे जाकर और अच्छा परफॉर्म वो करेंगे। तजुर्बात देखें, मैनेजमेंट चेंज हुई है, नए लोग आए हैं, तो होपफुली कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगी T20 में, तो हमें देखने को मिलेंगे तजुर्बात। वैसे अब तजुर्बात का वक्त गुजर गया है, अब तो वर्ल्ड कप में 1 महीना ही रह गया है। फिर भी जो स्क्वाड अब सेलेक्ट हुआ है उनमें से बहुत सारे लड़के पहले टीम में नहीं थे, तो उनको मौका मिलेगा, तो आप इसको तजुर्बात समझते तो उसको तजुर्बात समझिए। एक और सवाल है, ये शहूद हुसैन साहब का है, क्या पाकिस्तान में आने वाले वक्त में कोई बिग ICC टूर्नामेंट का इम्कान है जो पाकिस्तान चाहता है कि हम होस्ट करें, और कौन सा वो बिग इवेंट है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। बिल्कुल, जो पहले कुछ अर्से पहले ICC ने पेशकशें मांगी थी तमाम अपने मेंबर ममालिक से, तो पाकिस्तान ने भी उसमें इंटरेस्ट शो किया है, चैंपियंस ट्रॉफी का भी, वर्ल्ड कप भी, कुछ इवेंट वर्ल्ड कप का भी कुछ इवेंट वो चाह रहा है कि दूसरे बोर्ड्स जो एशियन है उनके साथ करे, और कुछ खुद भी करना चाह रहा है। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह किसी न किसी इवेंट की हमें मेज़बानी मिलेगी। अभी ये कहना कबलत वक्त होगा कि वो कौन सा इवेंट होगा, लेकिन होगा कोई ना कोई। रमीज राजा आ गए हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, उनके रिलेशंस भी अच्छे हैं। फिर पाकिस्तान में हालात अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है, बड़ी बड़ी टीमें यहाँ आके खेल रही हैं, तो अब कोई वजह ऐसी नज़र नहीं आती कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल इवेंट ना हो, सिवाय भारत की एक शिरकत का मसला है। तो भारत के साथ मैच किसी दूसरे मुल्क में करा देंगे, जैसे पहले भी ऐसा होता रहा है। तो उम्मीद ऐसी है कि अगले कुछ वर्षों में यहाँ पर कोई ना कोई इंशाल्लाह बड़ा इवेंट होगा। तो ये था हमारा शो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है,
मैचेस होंगे, एंजॉय करें इनसे। जब सीरीज खत्म होगी फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।